हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। और हम पहुंच चुके हैं वृंदावन, जहाँ कृष्ण भगवान की गलियों में पहुंच चुके हैं। और मथुरा, वृंदावन और गोकुल धाम, गोवर्धन पर्वत हम देखने वाले हैं। और देखिए, हम बंदर के लिए हम बिस्कुट लिए हुए हैं। और यहाँ पे काफ़ी है, हिरन, बंदर, ये सब काफ़ी हैं। सुने हैं, देखे नहीं हैं, पहली बार हमारे पीछे का मंदिर प्रवेश कर रहे हैं। राधे राधे। तो हम अपनी वाइफ के लिए दुपट्टा लिए हुए हैं, देखिए, और हम अपने गले में लटका लिए हैं। और चलते हैं अंदर, देखते हैं। काफ़ी खुश हैं, काफ़ी अच्छा है। बट हम रीता को मिस कर रहे हैं। हम प्रॉमिस किए थे रीता को कि हम लेके आएंगे और साथ में रीता के साथ जाएंगे। देखिए सब राधे राधे इसे कभी कर रहे हैं सब। जो गोपियों की मटकी फोड़ती थे पप्पा ने, इसी गलियों में फोड़ते थे। ये बाजू वाली गलियों की होके बात करते, यमुना नदी की तरह बोले एक बार जमुना मैया की जय। यशोदा मैया की जय। यशोदा का घर जो रात के 12 बजे लाए थे ना वासुदेव यमुना नदी पार करा के, इसी घर में यहाँ लाके छोड़ गए। और यहाँ से बल्दा करके किसको लेके, नंद पुत्री ओम है जो पापीगंज से मारने लगा जेल में, तो हाथ से छूटी और बिजली बन के क्या जवाब दिया कि पापीगंज मेरे को क्या मारता है, तेरे मारने वाला गोविंद भगवान सोने के झूले में झूला। तो संसार जो आता है तो यहाँ दो मेहते से आता है। पहला तो भगवान को अपने हाथ से झूला झुला। जब भगवान को आप झूला झुलाते हैं तो अपन लोग मन मन में क्या सोचते हैं कि दीन बंधु दीनानाथ और सबकी डोरी तेरे हाथ। तो 2 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा उल्टा कैसे हो जाएगा कि दीन बंधु दीनानाथ और तेरी डोरी मेरे हाथ। तो संसार का जो डोरी है वो किसके हाथ में, ठाकुर जी के हाथ, ठाकुर जी का। और अभी आपने किसके लिए, भगवान को अपने हाथ से झूला झुलाने। और दूसरा मेहते यहाँ पे आने का अपने माता पिता के नाम से लगते हैं या भगवान को भोग। और या भगवान को या भोग भी किसके लगते हैं, माखन और मिश्री के। बोलो एक बार माखन शोर भगवान की जय। ना आराम से बोल बोल के बनाओ। देखिए, माखन चोरी करने के बाद यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को यहाँ पे बांधा है। और यहाँ पे माखन कैसे चोरी कर रहे हैं कृष्ण भगवान, सो देखिए। और ये यहाँ पे कृष्ण भगवान जो मिट्टी खाए हैं, सो देखिए ये है। और हम आए हुए आज गोकुल धाम और कृष्ण भगवान का दर्शन करने हम धन्य हो चुके हैं, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ रीता नहीं आई है, बट हम रीता के लिए ये दुपट्टा लिए हैं। और ये दुपट्टा हम अपने गले में टांग के पूरा दर्शन, भगवान के दर्शन करा रहे हैं। ये दुपट्टा भी हमारे गले में लटका और ये आशीर्वाद रीता के लिए ही होगा। और ये दर्शन साक्षी है कि पूरा गोकुल धाम घूमने के बाद हम अपनी पत्नी को जाके दे देंगे। तो चलिए, अब हम लोग इस मंदिर से निकलते हैं। और हमारा ये आज बहुत ही अच्छा दिन हमारे लिए, आज संडे है। और हमारे ये भाई साहब का हरिहर सब कृष्ण भगवान की गलियों में घूम रहे हैं, जहाँ एक समय में कृष्ण भगवान इस गलियों में नटखट किया हुआ दौड़ते होंगे, खेलते होंगे। और इसी आज उन्हीं की गलियों में हम आज घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और ये देखिए गोकुल, श्री गोकुल चंदा मामा जी द्वार है ये। और काफ़ी अच्छा लगा। हम अपनी वाइफ के लिए मिठाई और हनुमान जी का कुछ माला है वो लिए हैं, क्योंकि हम हनुमान जी का मंगलवार को उपवास करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। फाइनली हम वृंदावन गोकुल धाम घूम लिए, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, जहाँ किले बड़े, उसी गलियों से हम गुजर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़ा आया। और